आप देखो नजारा, वो है निकला चांद। टाइम हो रहा है 4:48 और आज 28 सितंबर यात्रा के लिए निकल चुके हैं। जय भोलेनाथ। केदार बाबा के पास जा रहे हैं। हम लोगों का बैग भारी हो गया। बैग भारी होता है। अब देखो क्या आता है आगे। टोपी ले लूं क्या? मैं ठंडी लग रही है। ले सकते हो टोपी, लेने से ले लो। घोड़े का रेट 3,000 रुपये चल रहा है इस वक्त। ये तप्त कुंड मार्ग है। नहीं ऊपर, हाँ चलो ऊपर। तो अभी फिलहाल गौरीकुंड में आ चुके हैं हम लोग। ठंडी तो है लेकिन अब थोड़ा चलने लग गए हैं तो हल्की हल्की गर्मी भी आ गई है। देखो भाई टाइम अभी हो रहा है कितना, मैं बताता हूँ, 5:41 हो रहा है भाई। फिलहाल इस वक्त केदार बाबा 15 किलोमीटर दूर, हालत हो गई है टाइट, खड़ी चढ़ाई है भाई। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे मंदाकिनी रिवर का। ये ट्रैक जा रहा है, यहाँ घोड़े हैं, घोड़े का रेट है 2950। फिलहाल हम लोगों ने पैदल ही चढ़ने का डिसाइड किया है। वो देखो वो रहा है अमित और अनिकेत और भैया जी, सागर भैया, बाकी अभी हम हैं। जोश से भरे हैं, देखिए कब तक जोश बना रहता है। हर हर महादेव। ये देखो वाटरफॉल, कुछ ऐसी खड़ी चढ़ाई है भाई। बी प्रिपेयर्ड, आराम आराम से चलो। टाइम हो रहा है इस वक्त 6:36 और हालत कुछ ऐसी हो गई है। ओ भाई साइड हो गए भाई। हेलीकॉप्टर जा रहे हैं भाई, मिलते हैं आगे। जय भोले। व्यू दिखाते हैं, ये देखिए भाई बर्फ के पहाड़, एक और वाटरफॉल। ओ भाई पसीना पसीना हो गया यार। अभी तो सिर्फ मुझे लगता है 2.5 किलोमीटर हुआ है, मज़ा आ जाएगी भाई। आओ आगे, एक और वाटरफॉल ये रहा।
ये जगह में पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं भाई। हाँ तो भाई अभी आ गए एक स्टॉप पे, कच्चा है मैगी और चाय। चाय हमें तो बढ़िया लगे क्योंकि खूब चीनी भरी थी, चीनी की बहुत आवश्यकता है। अमित नहीं खाए हैं, उनको चीनी से एलर्जी है। क्यों अमित? चीनी में तो गुड़ था, थोड़ा शक्कर थी तो हाँ वो अच्छा है। चाय थी तो आपके आपके में चीनी कैसी है? कम है ज्यादा है? बढ़िया है। और सनग्लास नहीं लाए ना, मजा आएगी। तो सो अब हम लोग अभी मैगी खा रहे हैं। ये देखो अमित भी हैं, सागर भैया हैं, और ये धूप भी आ गई है। और ये हम हैं पीछे, देख लो टी शर्ट में आ चुके हैं अब। फिलहाल गर्मी बहुत तेज़ लगने लगी है, अब देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम रहता है, कैसे चलते हैं आगे। बताया जा रहा है अभी 1 किलोमीटर तक ऐसी चढ़ाई है, उसके बाद एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई भीमवली तक। रामबाड़ा 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, मिलते हैं आगे आपसे। जय बोले। ये व्यू देखो आप, एकदम बेहतरीन। ये रामबाड़ा है और वो ऊपर भीमवली, तो वहाँ हम लोग को जाना है। मज़ा आ जाएगी भाई। भीमवली कैंप में आ गए हैं भाई साहब, बहुत खड़ी चढ़ाई है। ओ भाई जय बोले। ये देखो रामबाड़ा का पुल जो नया बना है, त्रासदी में जो चला गया था, और कुछ ऐसा है, एकदम झरना है यहाँ पे और फिर एकदम नीचे पानी है। वो देखो बहुत आगे आ गए हम लोग। वो अलग घोड़े वाला रास्ता है ये, और शायद मैंने पहले गलत बताया था, वो भीमवली नहीं लिंचोली है, भीमवली पीछे निकल गया। और ये है रामबाड़ा, रामबाड़ा और उसके बाद देख रहे हो कैसे कटान हुई है भाई, पूरा मतलब पूरा पूरा गांव चला गया, बताते हैं साफ हो गया था पूरा, ऐसा कुछ है। चलते हैं आगे, मिलते हैं। ये है अभी हम, ठंडा तो है अच्छा खासा नहीं, ठीक ठाक है, टेम्परेचर जैकेट वाला है। बाकी गर्मी लग रही है, चढ़ाई में पसीना बहुत आता है यार, पूरी टोपी मेरी ये हेड पूरी गीली हो रखी है, देखो कलर चेंज हो गया है। चलो मिलते हैं आगे। बना लो उसी पे,
तो भाई यहाँ नींबू पानी बनवाते हुए टाइम बज गया है, कितना टाइम हो गया 9:58। तो जैसा भी हुआ है ये देखो आप, खड़ी चढ़ाई है भाई, खड़ी चढ़ाई, हालत है पस्त, बस भोलेनाथ की कृपा है, चले जा रहे हैं आगे, पहुंचेंगे बहुत जल्द बाबा केदार के दर्शन करेंगे। चढ़ाई भी और आएगी। क्यों सागर भैया कैसा लग रहा है? बस मजामा मजामा। अनिकेत एकदम ऑसम, मतलब जेड आठ है, अच्छा लग रहा है। चुप रहो अनिकेत, साथ में बेसिक बात बात। भाई साहब नींबू पानी हो गया, कितने का है? वाह भैया, लिया चना लाए उसके बाद घाघरा नहीं घाघरा चूरा क्या है, फाफड़ा फाफड़ा खाखरा खाखरा चल रहा है, वही चल रहा है, बैठ गया भाई, बुरा थक गए यार, एक तो बैग थोड़ा सा भारी हो गया है, उसके बाद ठीक है जय भोले। टोपी का हाल देखो, बिल्कुल नज़ारे तो बढ़िया हैं यार, कैद कर लो बस आँखों में। क्या ही बताएं, लंबी है भाई, अभी भी चढ़ाई 9 किलोमीटर बच रही है, तो ये सीन है आगे देखो, बस इसको देखने के लिए रुके हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, अब वो वहाँ तक अभी जाना है ऊपर। ये देखो अभी हम लोग को लगभग लग जाएगा कितना 5 घंटा मान के चलो केदारनाथ पहुंचने में, और अभी टाइम हो रहा है 11 बज गए हैं, हेलीकॉप्टर भाई साहब हर 5-5 मिनट पे दिख रहे हैं। सही है भाई, अभी एक हस्बैंड वाइफ थे अंकल आंटी, उनसे बात हुई थी, वो बता रहे थे उन्होंने एजेंट के थ्रू करवाया था 8,000 पर हेड हेलीकॉप्टर, और वापस पैदल जा रहे हैं भाई। एजेंट लोग तो वैसे मेरे को भी मिले थे महंगे, वो तो 12,000 बता रहा था, फ्रॉड बहुत होता है भाई संभाल के, अब एजेंट के थ्रू जाना है तो भाई देख के जाओ कैसे जाओ, क्योंकि वो आपकी रिस्क है। फिलहाल कुछ ऐसा नज़ारा है, फिलहाल ऐसा कुछ व्यू है, और एक ढाबे टाइप पे आके बैठ गए हैं, मैगी और आलू पराठा। ओ भाई पूरी शर्ट जैकेट तक गीली हो गई मेरी पूरी, इतना स्वेटिंग हुई है, लेकिन उतारेंगे तो ठंडी लगेगी, अजीब सा माहौल है। तो चलो भाई खाते पीते हैं, मिलते हैं आगे। तेज बताओ कैसा है, कैसा था आलू का? अच्छा देख रहे हो स्टॉकिंग कितना किया है, अब ये नहीं है, ये है, अच्छा मिल गया तो वो मत बोलो, ये है जैसा ये पुराना दुकान है, देख रहे हो कितना पानी, जसांत की बोली मत बोलो, इसकी बोली जसांत की, जसांत नहीं बोलते यहाँ खाना ज्यादा बिक रहा है वहाँ सब मिलता है। अच्छा पानी लगता कौन होगा, पानी कौन लगता है, पानी का सब जगह एक और बोल दो, पनीर है, पनीर पराठा है क्या भाई, पनीर का भी है, मूली बस, आलू आलू प्याज, आलू प्याज गोभी, तो एक और आलू कर दो आप, तो ये है भाई लिंचोली, कुछ ऐसा नज़ारा लिंचोली का, तो भाई 1 घंटे के रेस्ट के बाद हम लोग फिर थोड़ा सा चले हैं, चढ़ाई करी, फिर थोड़े से ढलान है, तो ये पीछे हमारे लिंचोली दिख रहा है देख सकते हो आप, ये कुछ है पूरा, ये देखो ये पैदल पथ जा रहा है, ये अब वो ऊपर वहाँ नीले तक जाना है अभी हम लोग को, उसके आगे है। अरे भाई साहब हालत टाइट हो चुकी है हम लोग की, नीचे नज़ारा देखो,
जय भोले। और ये आता मेरे सर के ऊपर से हेलीकॉप्टर। केदारनाथ 4 बेस कैंप 2.5, वो है बेस कैंप। और वो रहा पुराना रास्ता जो त्रासदी के पहले हुआ करता था, वहाँ से टूट गया। ये देखो उस पहाड़ी पे था पूरा, अब इस पहाड़ी पे हो गया है भाई। हालत तो ऐसी है ना, मतलब समझ लो हर 20 कदम चलने के बाद बैठना पड़ जा रहा है। पता नहीं लोग क्या बताते हैं, बहुत बढ़िया चढ़ाई है ये। वो भाई लिटरली कुछ अच्छी चढ़ाई नहीं है भाई, शॉर्टकट तो और गंदे हैं, उन पर गलती से चले गए तो बात कर आप समझ लो बस हो गया काम आपका ख़त्म। आधे रास्ते आप यहीं सोना पड़ेगा बीच में टेंट वेंट लेके, अदरवाइज़ भाई इतनी खड़ी चढ़ाई है ना, मतलब हर जगह खड़ी चढ़ाई है, कहीं भी प्लेन नहीं आया है बिल्कुल भी। तो भाई दम है तो आओ, नहीं तो भाई घोड़ा लो या हेलीकॉप्टर, भाई सुविधा है अच्छी कसम से। हेलीकॉप्टर मिल गया होता ना मज़े आ गए होते। हम उतरते पैदल अपना, बाकी चढ़ाई करते। खैर यही है जो है, मिलते हैं आगे। जय भोलेनाथ। अभी वहाँ जाना है, आराम से। चल बोले बेस कैंप है और यहाँ से केदारनाथ है 2.5 किलोमीटर। कहाँ से हम लोग आ गए, वहाँ से चढ़ते 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 फिर मैंने वहाँ पे एकदम जब चढ़ाई चढ़ाई थी तब घोड़ा ले लिया, मैं हार गया। मैंने कहा भाई अब नहीं चढ़ पाऊँगा, ऊपर शूट वगैरह भी करना है, हालत ख़राब हो जाएगी, दर्शन भी क्या ऐसे नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए घोड़े का मेला लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखो भाई। अब यहाँ से बाबा केदारनाथ हैं 2 किलोमीटर, चलो चलते हैं। ये 1.5 किलोमीटर भी गजबी चढ़ाई है, हाथ देखो कैसे लाल हो रखे हैं। सुबह से खाने में सर क्या ही बताएं, खाली एक दो मैगी खाई, एक पराठा, बाकी चाय और वही फ्रूटी पे पी के पहुँचे हैं यहाँ तक, क्योंकि डर था ज़्यादा खा लेंगे तो चढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिलहाल आ गए हैं भाई यहाँ तक। पहुंच गए हैं केदारनाथ, बहुत लंबा ट्रैक था यार, बहुत लंबा।
ये खुशी क्यों है समझ ही गए होंगे आप। ये देखो, आपको भी दिख, बाबा केदार की पहली झड़क मेरे को दिख गई। वो देखो, हर हर महादेव। फाइनली हाँ, तो भाई अभी हम यहाँ के बैठे हुए हैं, अपने पैरों को सहला रहे हैं। भाई इनकी तो हालत ख़राब हो चुकी है बिल्कुल, पता नहीं कल कैसे उतरना होगा। खैर छाले तो नहीं निकले। ये देखो हेलीपैड का सीन, वो एक आ रहा है हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। हाँ थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लगने लगी है। अब देखते हैं रूम पहले ढूंढते हैं, फिर आगे देखते हैं। टेंट तो खूब मिल रहे हैं, मैं चाहता हूँ रूम मिल जाए कम से कम। क्या है ना, सामान रख के फिर हम लोग कहीं जा घूमने उमने ऐसे टहलने निकल सकते हैं, वरना टेंट होगा तो दिन भर सामान के साथ जाओ। लियर मैं पूछूंगा, अगर वापसी का मिल जाएगा तो मैं निकल लूंगा हेलीकॉप्टर से, और क्या एक एक्सपीरियंस ये भी ले लूं मैं। अब यहाँ से निकला जा रहा है, जाएंगे होटल देखेंगे फिर रुकेंगे। ये देखो पीछे का नज़ारा, और नज़ारा तो देखो आप, भाई साहब क्या नज़ारा है। अरे एवन नज़ारा है, बड़ा क्वेश्चन है ये, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे आई कैसे। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, हर चीज़ बनाई जा रही है। मतलब मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में ये तो भाई बिल्कुल केदारनाथ बिल्कुल वैष्णो देवी जैसा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रोपवे भी बन जाएगा, हर चीज़ है प्रॉपर। वो देखो कैसे ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं, वो कैसे इफेक्टेड हो गए हैं त्रासदी के बाद से, ऐसे ही है। फिलहाल तो अभी हम लोग को रूम मिला नहीं है, ठंड बढ़ चुकी है। देखते हैं, मेरे 3 साथी जो हैं वो बड़ा धीमे धीमे आते हैं, आ जाएँ आगे तब उनके साथ देखेंगे रूम ढूंढने जाते। चलो मिलते हैं आगे, जय बोले। होपफुली आज ही दर्शन हो जाए, फिर कल सुबह करेंगे, फिर देखते हैं कल क्या करना है। ऊपर भैरव बाबा हैं, ये देखो दिखाता, वो देखो भैरव बाबा का मंदिर है, वो भी जाएंगे। 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है वो, उसके बाद देखते हैं कि नीचे कैसे जाए। कोशिश तो रहेगी हेलीकॉप्टर मिल जाए यार, क्योंकि मेरा मन है जैसे पैदल भी चल लिया, घोड़ा भी हो गया, अब एक हेलीकॉप्टर बचाए वो भी कर लूँ यहाँ पर, तो मेरा केदारनाथ का मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली। क्योंकि उससे भी अलग व्यू आता है, वो भी देख लूँगा अपनी आंखों से। खैर मिलते हैं आगे। फाइनली हर हर महादेव।
अब देखो नजारा, वो है निकला चांद। भाई साहब क्या गजब नजारा है। ट्रेनिंग में हाई हम इनसे जाते थे, फिर भाई